सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष। आज मैं आप लोगों के साथ में एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू शेयर करने वाला हूँ दी ऑल न्यू 2020 टाटा नेक्सॉन XM S वेरिएंट का। तो यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को क्या एडिशनल फीचर्स मिलते हैं XM वेरिएंट से। प्राइस 55,000 रुपीज़ अप्रॉक्स बड़ी है, 8,36,000 रुपीज़ की एक्शोरूम दिल्ली प्राइस पे ये गाड़ी अवेलेबल है। इस पे आपको बेस्ट डील चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, दिल्ली NCR में और उसके आसपास के रीजन में आप लोगों को मैं बेस्ट डील प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, बट हाई बीम जो है वो आप लोगों को नॉर्मल जो है हेलोजन में मिलती है। वहीं नीचे आप लोगों को फॉग लैम्प हाउसिंग मिलती है, बट फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, वो एज एन एक्सेसरीज आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पर टोइंग हुक दिए गए हैं। ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में फ्रंट बम्पर और आप लोगों को यहाँ पे ये जो ग्रिल मिल रही है वो कम्प्लीटली जो है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में मिलती है। बीच में टाटा का लोगो और की जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ इस टाइप की ये की मिलती है इसके अंदर, जिसमें आपको लॉक और इससे आप लाइट ब्लिंक कर सकते हैं गाड़ी की। अगर आप रात में देख रहे हैं कि गाड़ी आपकी नहीं मिल रही है कहीं, तो ऐसे लाइट से इसको ऑन कर सकते हैं और इसी से आप ऑफ़ भी कर सकते हैं। और अगर ये अनलॉक करेंगे तो देख सकते हैं ये ORVM जो है वो लॉक अनलॉक होते से फोल्ड जो है वो हो जाते हैं। ट्राई एरो डिज़ाइन के अंदर फ्रंट बम्पर दिया हुआ है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 209 mm का है। बाकी जो साइड फिसलोटे वगैरह है वो कम्प्लीटली सेम है, कुछ ज़्यादा दिखने में अलग नहीं लग रहा है। वाइट कलर जो है ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। व्हील्स की अगर बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को जो है नॉर्मल स्टील रिम्स मिलते हैं, जिनकी प्रोफाइल 195/60R16 रखी गई है। और अगर बात करें इसके स्पेयर व्हील की तो वो पीछे जाके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। व्हील आर्चर्स देख सकते हैं, बॉडी क्लैडिंग्स, और यहाँ पर आप लोगों को ये डोर प्रोटेक्शन भी लगे हुए हैं एज एन स्टैंडर्ड। डोर हैंडल जो है वो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में है। ब्लैक कलर के अंदर ये बी पिलर मिल जाता है। ऊपर ये रूफ रेल्स जो कि सिल्वर कलर के अंदर दी गई है। ORVM भी पूरे ब्लैक कलर के अंदर मिलते हैं, पर टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और एक ये ग्रेइश फिनिश के अंदर एक कंप्लीट लाइन जो है वो विंडो के साथ में यहाँ पर आती है, तो ये थोड़ा सा और लुक को इन्हेंस कर जाती है, बिकॉज पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो ब्लैक एंड वाइट का जो है वो बन जाता है। पीछे वाले लुक में आ जाते हैं। ये वाला लुक मुझे पर्सनली जो है टाटा का बहुत ही प्यारा लगता है। नेक्सॉन के अंदर ये जो लाइट है इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है दिखने में। यहाँ पे अगेन ये ग्रेइश पोर्शन जो है वो कंप्लीट मिलता है इसके। यहाँ पे डीफॉगर नहीं मिलता है, मतलब इतने सारे फीचर्स दिए हैं, सनरूफ वगैरह दे दिया है, बट यहाँ पर ये डीफॉगर नहीं दिया, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। स्टॉप माउंट लैंप मिल जाता है, स्पॉयलर मिलता है, ऊपर ये नॉर्मल एंटीना आपको मिलता है। कैमरा इसके अंदर नहीं है, नेक्सॉन की बैजिंग यहाँ की गई है, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है और ना ही आप ये जो है इससे खोल सकते हैं, की से भी इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, आपको आगे जाके ही ओपन करना पड़ेगा बूट को। यहाँ पे पीछे दो पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और पीछे वाला ये जो पूरा कंप्लीट एरिया है वो बम्पर जो है वो ब्लैक फिनिश के अंदर दिया हुआ है, प्लास्टिक का ही है। साइड में रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो वो वाला एरिया जो है थोड़ा सा खाली सा लगता है। दैट्स ऑल। टाटा का लोगो यहाँ पर, क्रोम की सराउंड्स दी हुई है, बाकी सभी चीज़ें अच्छी है। और ये जो है अगर आप देख पा रहे हैं कैमरा जस्टिफाई कर रहा होगा, तो ये क्यों है मुझे आप एक बार कमेंट करके बताओ, आपको पता है नहीं पता है वो मुझे जानना है। तो अब चलते हैं, मैं आप लोगों को एक बार बूट एक्सेस करके बता देता हूँ, बूट कहाँ से एक्सेस करना है वो बताता हूँ। तो इसको वापस से मैं अनलॉक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर एक बटन है, इस स्विच से जो है इस बूट को एक्सेस किया जा सकता है बड़े आराम से। और ये देख सकते हो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ में बूट ओपन हो जाता है और काफ़ी ऊपर तक जाता है, तो अगर किसी की हाइट ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पर ये इंसुलेटिंग प्लेट यहाँ पर दी हुई है, देख सकते हो 350 लीटर का ये बूट स्पेस है और काफ़ी अच्छा है। ज़्यादा नीचे भी नहीं है फ्लोर बोर्ड एरिया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके नीचे जो स्पेयर व्हील पड़ा है उसको एक्सेस करना थोड़ा टफ है, बिकॉज ये पूरा इसके अंदर जो है वो चले जाता है और उसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये ब्रिज स्टोन का टायर लगा हुआ है, 195/60R16 जो है ये मिलता है आपको स्पेयर व्हील। इस पूरी सीट को आप क्लोज कर सकते हैं, यानी कि फोल्ड कर सकते हैं ऐसे की तरफ। तो मैं पूरी नहीं कर रहा हूँ, वापस से मेरे को ऊपर करनी पड़ेगी, 60-40 नहीं है, पर बेंच फोल्ड जो है वो पूरी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ करके बता दी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपको ये दो हुक मिलते हैं, बूट लाइट भी आपको मिलती है। नाइट के टाइम पे अगर आप एक्सेस करते हैं बूट को तो वो थोड़ा सा ईजी रहता है, कन्वीनियंट रहता है। यहाँ पर भी दो हुक दिए गए हैं, कोई पॉली बैग वगैरह आपको लगानी है तो आप लगा सकते हैं अच्छे से। इसको क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर ये हैंडल दिया हुआ है, और जब आप क्लोज़ करेंगे और ये थर्ड आती है तो वो मज़ा ला जाता है। अब सीट जो है वो कुछ शॉर्ट्स लेने की वजह से थोड़ी सी स्टेप से की हुई है, तो मैं इसको आगे कर देता हूँ वापस से। अंदर आना
बहुत ही अच्छा जो है एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा इसके अंदर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ऊपर यहाँ पे इसके अंदर सनरूफ दिया हुआ है और यही इसका बेस्ट पार्ट है कि XMS के अंदर आपको सनरूफ मिल जाता है और ऑटोमेटिक वाइपर मिलते हैं। गेट अगर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं सिल्वर फिनिश, बाकी पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जो हैंडल बार वगैरह है उसमें अगर थोड़ा सा क्रोम एक्सेंट्स वगैरह होते तो वो काफ़ी अच्छा होता, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। स्पीकर्स वगैरह इसके अंदर दिए हुए हैं, पीछे पार्शल ट्रे नहीं मिलती। हाँ, ये चीज़ आप लोगों को बता दी मैंने, यहाँ पे कोई एसी वेंट्स नहीं है, बट हाँ ये स्पेस दिया हुआ है जिसमें आप अपना फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते हैं। नीचे फ्लोर हम्प जो है वो देख सकते हैं आप, अच्छा दिया हुआ है, मतलब काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि हाँ उसके ऊपर पैर तो रखे जा सकते हैं बिकॉज उसमें स्पेस अच्छी है, बट हाँ ऊंचा है थोड़ा सा, तो थर्ड पैसेंजर को बैठने में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बाकी विड्थ गाड़ी की काफ़ी अच्छी है तो शोल्डर रूम वगैरह में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब चलते हैं आगे और मैं बताता हूँ कि आगे आप लोगों को क्या क्या मिलता है। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप लोगों को ये जो है ग्रैब हैंडल मिलता है और कोट हुक मिल जाता है। इस साइड में भी आप लोगों को ये ग्रैब हैंडल और कोट हुक जो है वो मिल जाता है। तो अब चलते हैं और आगे चल के देखते हैं सनरूफ वगैरह जो है वो किस टाइप से वर्क करता है और क्या ये प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स जस्टिफाई कर रहा है। तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ORVM इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। साथ ही नीचे ये बॉटल होल्डर बहुत ही छोटा है, बट यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल आ सकती है। बाकी अम्ब्रेला जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, बहुत छोटा है अम्ब्रेला के लिए यहाँ पे स्पेस। यहाँ पर स्पीकर जो है वो माउंट किए हुए हैं। नीचे आप देख सकते हैं 3 पैडल के साथ साथ में एक फुट रेस्ट भी दिया हुआ है। फ्यूल लीड आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं और फ्रंट बोनेट यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करके बताने वाला हूँ। थोड़ा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको लगानी पड़ेगी, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है इसमें। ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में आपको ये एयर वेंट्स मिल जाते हैं। तो अब अंदर चल के देखते हैं कि अंदर आपको क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो की जो है वो मैं लगा देता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि अंदर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दिखती है। एंड ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें मिलता है, MID मिल जाती है और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेफ्ट साइड में यहाँ पे RPM मीटर दिए हुए हैं, राइट साइड में आपको जो है फ्यूल गेज दिया हुआ है और साथ ही साथ टेम्परेचर मीटर, बीच में स्पीडोमीटर और MID के अंदर कई सारे फीचर्स जो हैं वो दिए हुए हैं, जिसको आपको यहीं से जो है वो टोगल इस टाइप से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइलेज वगैरह, ट्रिप है, ट्रिप भी, ऑडोमीटर, ये सभी चीज़ें आपको बताता है और बाकी सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। CT मोड है, अगर आप मोड चेंज करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है मोड भी बता देगा, इको मोड जैसे हो गया है। और मैं फिर चेंज करता हूँ तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ गई है, तो ये सारे मोड्स यहाँ पर बताता रहेगा। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं, राइट साइड में कुछ नहीं है। और इधर की साइड में जो है वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, राइट साइड में आपको जो है ये हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं। सेंटर कंसोल में आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे से AC वेंट्स, बीच में आपको हैजार्ड लाइट का स्विच दिया हुआ है, उसी के नीचे आपको कई सारे स्विचेस दिए गए हैं जिससे आप म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। FM वगैरह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर्स आपको मिलते हैं। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट नहीं है, ना ही रिवर्स पार्किंग कैमरा है। मैनुअल कंट्रोल्ड AC मिलता है आपको, मैनुअली आप AC को कंट्रोल कर सकते हैं नीचे से। ये 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, ये जो स्विच मिल रहा है इससे आप बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की साइड में 12 वॉट का पावर आउटलेट और USB वगैरह मिलता है, जिनको एक्सेस करना काफ़ी टफ है। तो हैरियर में एक प्रॉब्लम थी, अभी उसमें सॉल्व हुई है, अभी नेक्सॉन में भी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी बाकी है। अब देख लो यहाँ पर आपको ये नॉब मिलता है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर कप होल्डर, यहाँ पर भी कप होल्डर, तो ये सभी चीज़ें हैं। और ये आपको हैंड ब्रेक मिलता है। फ्रंट जो है ग्लव बॉक्स में आप लोगों को बता देता हूँ कि ग्लव बॉक्स जो है वो कितना बड़ा इसके अंदर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, काफ़ी डीप है। आई डोंट नो कैमरा यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं फ़ोन की लाइट से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बिकॉज जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर लाइट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। सीट्स आप लोग देख सकते हैं, फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। इसका रिव्यू तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ज़्यादा आपको कुछ बताना नहीं है। ऊपर की साइड देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये सनरूफ के कंट्रोल्स, यहाँ पर सारे सनरूफ के कंट्रोल्स दिए हुए हैं जिनको एक्सेस करके मैं आपको बताता हूँ। उसके पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ये माइक्रोफोन दिया हुआ है, यहाँ पर ये लाइट मिल जाती है। इधर की तरफ बात करें तो ये कार्ड होल्डर मिलता है नॉर्मल, और इधर के साथ में आपको जो है ये वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब सनरूफ कैसे एक्सेस करना है वो बताता हूँ, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जो है ये बटन दबाया तो ये वेंटिलेशन हो गया, ये वापस क्लोज़ हो जाएगा और ये सनरूफ जो है ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो सनरूफ काफ़ी ऊपर की तरफ जो है अच्छा खुल जाता है, ये एरिया काफ़ी अच्छा है। अगर खड़ा रहना कोई पसंद करता है तो यहाँ पे खड़ा रह भी सकता है, और वापस क्लोज़ करने के लिए सिर्फ आपको ये एक बटन प्रेस करना है तो सनरूफ जो है वो बंद हो जाएगा। ओके, एंड इसको आपको हाथ से जो है वो बंद करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। और साथ ही अगर ऊपर के साथ यहाँ पे जो है ये मिरर मिलता है, ये ऑटो डिमिंग नहीं है, ना ही कुछ और है इसके अंदर, नॉर्मल जो है ये IRVM मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को जो है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जैसे फीचर्स मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं नेक्सॉन XMS के। अब चलते हैं और मैं आप लोगों को इस गाड़ी का बोनेट बता देता हूँ।
ये है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर है, 120 पीएस की पावर जनरेट करता है एंड 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क आउटपुट जनरेट करके देता है। ABS यूनिट यहाँ माउंट की गई है, फ्लूइड्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कूलेंट है, इधर बैटरी माउंट की गई है, बैटरी जो है एक्साइड की बैटरी मिल जाती है और दैट्स ऑल। तो जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी कॉम्पैक्ट लगता है ये 3 सिलेंडर इंजन। इसको कर देते हैं क्लोज़ और साथ ही साथ यहाँ पर इंसुलेशन जो है वो भी प्लेट लगाई गई है। तो ये हो गई नेक्सॉन XMS। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल इसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाफ एंड ड्राइव सेफ।